सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से वेलकम, दिल से अभिनंदन। और चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक आज करने वाले हैं। और जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे फंडामेंटल राइट से संबंधित, काफ़ी बच्चों के अच्छे मैसेज भी आए हैं। और देखिए, ऐसे आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बच्चों, आज हम देखिए, आज हम टॉपिक, आज कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और देन उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा एकेडमी पर जो बच्चे अब जुड़े हैं उनका दिल से वेलकम, दिल से अभिनंदन। सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर और लाइक करें ताकि आपके अलावा और बच्चे भी इस वीडियो को देख सके। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 2024 में जैसे इलेक्शन है तो आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, और कोशिश कीजिए आप सभी बच्चे कि अपने नोट्स तैयार करें साथ के साथ। जैसे हम कोई भी कंसेप्ट हम यहाँ पर करेंगे तो साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करें। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कोशिश करें कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का माइंड से आंसर दें, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। और देखिए बच्चा, जैसे हम संघर्ष करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि आप उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कितने समय मेहनत करनी है, लगभग अभी आने वाले समय में अब एग्ज़ाम प्रॉपर एग्ज़ाम चलेंगे, तो कोशिश कीजिए आज से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो हमारा सक्सेस बैच एसएससी जीडी के लिए, ये तो देखिए बच्चे, आपको अगर आप इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सक्सेस, ये आपको वी एश्योर 100% सक्सेस। हम आपको पूरी आश्वासन देंगे कि जो भी आप पेपर में मेहनत करेंगे उसमें हमारी प्रॉपर तरीके से पूरी 100% हमारी भी योगदान रहेगा। आप खूब मेहनत करें तो आपकी सिलेक्शन पक्का होगी, 100% होगी अगर आप मेहनत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और किसी ने कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आज का टॉपिक रहने वाला है, निर्वाचन आयोग के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, और यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। और अभी जैसे आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन का दौर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने बार बार एक बात कह रहा हूँ, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो 100% सफल होते हैं। ये बार आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। कभी भी कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत करें और आपको सफलता ना मिले। 100% आपको सफलता मिलेगी, बस आप जो स्ट्रगल करेंगे वो बिल्कुल दिल से स्ट्रगल करें, अपने क्षमता ज़्यादा बढ़ाएं, सीखने की क्षमता ज़्यादा बढ़ाएं, पढ़ने की क्षमता ज़्यादा बढ़ाएं। चलिए निर्वाचन आयोग देखिए बच्चे, निर्वाचन आयोग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग में हम देखिए, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष देखिए, जो निर्वाचन की हम बात करें, मैंने बताया कि निर्वाचन दो प्रकार से होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो आप यही जानिए, अपने नोट्स साथ साथ तैयार कीजिए बच्चे। देखिए प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उनमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय
सब शासन। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट इलेक्शन की हम बात करें, मैंने बताया कि इसको टू पार्ट में जैसे यहां पर हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट की बात करते हैं बच्चे, प्रेसिडेंस की बात करेंगे हम, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंस, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान, विधान परिषद के सदस्य, एंड राज्यसभा। इसको एक बार नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन आते हैं, ठीक है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक बार अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एक बार एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं मिलेगी आपको, ठीक है बच्चे। चलिए बात करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी से जो बच्चे अभी YouTube पे जुड़े हैं उनका दिल से दोबारा राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम। और अभी क्लास शुरू हुई है, अपने नोट्स बनाए अच्छे से, आज हम कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जानेंगे हर चीज़। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं आर्टिकल की, कि हमारा निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद आर्टिकल 324 से 329, अब बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 324 के। यहां पर जो डेफिनेशन है आर्टिकल 324 में, देखिए बच्चे, भारत के लिए, भारत के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग आयोग होता है। चलिए ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, आर्टिकल 324 में जो डेफिनेशन है मेरे बच्चों, भारत के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां पर हम बात करेंगे 25 जनवरी 1950, इसकी जो डेट है 25 जनवरी 1950, ठीक है बच्चे। और देखिए बच्चे, वर्ष 2011 से, वर्ष 2011 से प्रत्येक प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन, बिल्कुल हम बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को जानेंगे, एसएससी जीडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चे। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल। और अगेन सभी का वेलकम जो अभी जुड़ रहे हैं बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहले हम कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक है बच्चे। इसमें 324 से लेकर 329 तक वन बाय वन इनको बिल्कुल क्लियर करेंगे,
और चलिए नेक्स्ट बच्चे, अब बात करते हैं, आपने इसको नेक्स्ट अनुच्छेद 324 का दो देखिए क्या कहता है। यहां पर बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहां पर बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 324 का दो। देखिए बच्चे इसमें क्या कहता है कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन, एक मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है बच्चे, मुख्य निर्वाचन, और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, आयुक्त होते हैं। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। अब यहां पर देखिए टोटल मैंने आपको बताया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, टोटल तीन सदस्य है, ये आयुक्त होता है, ठीक है बच्चे। एक थोड़ा सा गहराई का क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 26 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 ये जो आयोग था बच्चे, ये एक सदस्य था, एक सदस्य, एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था, ठीक है बच्चे। अब यहां पर 16 अक्टूबर 1989 से 3 सदस्य बना दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया तीन, हमारे तीन सदस्य, ठीक है बच्चे। बट किंतु इसको दोबारा वर्ष 1990 में फिर से इसको फिर से एक सदस्य, एक सदस्य बनाया गया, और वर्ष 1993 में नीचे नजर नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं इसको, यहां पे एक लाइन करके देखिए बच्चे, यहां लिख देता हूं इसका आगे, ठीक है बच्चे। वर्ष 1993 में पुनः इसको 3 सदस्य, ये त्रिस्तरीय 3 सदस्य बनाया गया, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम वहाँ तक नहीं पहुँचते और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल कंसेप्ट से इसको पढ़ेंगे प्रॉपर, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे करने वाले, और एसएससी जीडी के लिए तो एक अच्छा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा डाटा रहेगा, ठीक है बच्चे। इसको नोट कीजिए, कुछ भी आपका अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आशा करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बच्चे, देखिए अब यहाँ पे हमने बात की 324 के दो में, है ना, तो इनकी जो नियुक्ति होती है बच्चे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, की जाती है, ठीक है बच्चे। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है, संविधान में इनकी जो योग्यता एलिजिबिलिटी है शपथ ग्रहण करने का, वो प्रावधान नहीं है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके कार्यकाल की,
कार्यकाल की, है ना बच्चे, कार्यकाल की। इनका जो कार्यकाल होता है, यहीं से क्वेश्चन बढ़ने हैं आपके प्रॉपर तरीके से, 6 वर्ष और आयु 65 वर्ष, है ना। अब बात करते हैं आयु की, तो 65 ईयर। अब देखिए बच्चे, यहां पर इनकी नियुक्ति के बाद इनके वेतन और भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती, है ना। आफ्टर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस, है ना बच्चे। और बात करते हैं अब हटाने की, देखिए बच्चे, हटाने की, इनको इनको पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, हटाया जाता है, जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। सेम प्रोसेस वही है, ये चीज आप बिल्कुल देख लें, कि इनको पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है बच्चे, इसको नोट कीजिए अच्छे से, और ये भी एक लाइन इसमें लिख लीजिए, और थोड़ा सा ये अपना रेजिग्नेशन, जो त्याग पत्र होता है ना, त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। और आफ्टर रिटायर कैन नॉट प्रॉफिट, यानी कि आफ्टर सेवानिवृत्त होने के बाद ये किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकते, लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, हमने पढ़ा निर्वाचन आयुक्त के बारे में, ठीक है बच्चे, आर्टिकल 324 के बारे में हमने जाना, ठीक है बच्चे, आर्टिकल 324 के दो के उसके बारे में जाना प्रॉपर, ठीक है बच्चे। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है बच्चे, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष, आयु 65। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चे। आपने टॉपिक किया इसके ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप क्वेश्चन कहीं से हो तो ऑटोमेटिक आप इसको कर देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं अनुच्छेद 325 के। अनुच्छेद 325 की, निर्वाचन नामावली, इलेक्ट्रोल। चलिए यहां एक डेफिनेशन लिखेंगे, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। निर्वाचन आयोग विधानसभा, विधानसभा और लोकसभा, लोकसभा के लिए एक निर्वाचक, एक निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। जिसमें जिसमें एक चुनाव क्षेत्र, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, एक चुनाव क्षेत्र मतदाताओं की
सूची होगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निर्वाचनामले, इसमें व्यक्ति के धर्म सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा रहा। करने से रोका नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आर्टिकल 325। चलिए, क्लियर है बच्चों? वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते रहिए। मैंने बताया कि पहले हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट, सिर्फ इसमें 3-9 तक हैं आर्टिकल, 326 नोट कीजिए बच्चे। वयस्क मताधिकार, अब इसमें देखिए बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 वर्ष है, जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको मतदान करने का, हाँ, करने की योग्य घोषित कर दिया। अब देखिए बच्चे, एक हरियाणा पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर 1989 से पहले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार 21 वर्ष का होता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 61 वर्ष संशोधन किया गया और इसके अलावा 18 वर्ष उसकी उम्र कर दी गई। ठीक है बच्चे, मतदान करने के योग्य 18 वर्ष, 1989 से पहले 21 वर्ष का व्यक्ति मतदान करने की योग्य होती थी। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, 60, ये हरियाणा पुलिस में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 327। देखिए, संसद को अधिकार है, पार्लियामेंट हैज द राइट, संसद को अधिकार है कि वह लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित विधियों का निर्माण कर सके या कानूनों का निर्माण कर सकती है। ठीक है बच्चे, निर्माण कर सकती है, ये डेफिनेशन हमारी आर्टिकल 327 में है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं आर्टिकल 328। राज्य के विधानमंडल को अधिकार है
स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम बोलेंगे, राज्य के विधानमंडल को अधिकार है कि वह लोकल गवर्नमेंट, इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्थानीय स्वशासन, स्वशासन के निर्वाचन विधियों का निर्माण कर सके। विधियों का, विधि मतलब लॉ, विधियों का निर्माण कर सकती है। चलिए थ्री टू इसको मैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं नया पेज ही ले लेता हूँ, ठीक है बच्चे, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। बात करते हैं आर्टिकल 329 की, बिल्कुल इजी वेस में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब ये आप आर्टिकल समझ में आ जाएंगे आपको कि 328 क्या कहता है, 329 क्या कहता है, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो ईजिली आप उसको टिक कर सकते हैं। कंसेप्ट को पहले समझना है, फिर इसको हम आगे से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये है बच्चे निर्वाचन, निर्वाचनों से संबंधित सभी विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है बच्चे, अगर देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, अगर कोई, यहां पे लाइन लिख देता हूं मैं, अगर कोई निर्वाचन से संबंधित कोई भी मतभेद होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है। चलिए अब थोड़े से वर्क भी पढ़ते हैं कि काम क्या क्या है, वर्क क्या है। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए वर्क की बात करते हैं, कार्य नोट कीजिए इसको, वर्क, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, लिख लीजिए निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। परिसीमन, ठीक है बच्चे, इसको हम नोट करेंगे। देखिए क्या कहता है, जो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक मैं लिख देता हूं, प्रत्येक जनगणना के बाद,
के बाद लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का पुनः सीमांकन किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन किया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इसमें परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होता है और दो रिटायर, रिटायर्ड न्यायाधीश। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। और प्रत्येक राज्य से 2 से 7 प्रतिनिधि। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, राजनीतिक दलों को चिन्ह, जो राजनीतिक दल होते हैं चिन्ह, प्रचार प्रसार के लिए समय, अगर कोई विवाद होता है किसी विवाद की स्थिति पर चुनाव या रद्द भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, और राजनीतिक दलों को, जो राजनीतिक दल होते हैं दल, उनको मान्यता प्रदान करना, और लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों के लिए नामावली तैयार करना, चलिए ये था आपका निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उनको हम पढ़ते हैं। कुछ भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है, और मैं आपको बार बार एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो सक्सेस बैच है एसएससी जीडी के लिए, अगर आप यहाँ पर हर कंसेप्ट बिल्कुल पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से संबंधित जो जो एसएससी जीडी का सिलेबस है, एक बार आपको यहाँ पर बिल्कुल निशुल्क यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा सक्सेस बैच की तरफ से। और खाली जीके जीके का नहीं, मैथ की क्लास 7 से 8 चलती है डेली। ठीक है बच्चे, और साइंस की क्लास भी अभी चलेगी, और आपकी हिंदी क्लास प्रॉपर एसएससी जीडी के लिए हिंदी मैम वंदना मैम, उनके लेक्चर भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो हमारी राधा कृष्णा एकेडमी की टीम प्रॉपर हर उस बच्चे की हेल्प करेगी, जो बच्चा कोचिंग नहीं आ सकता। तो आपको यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क लेक्चर मिलेंगे, आप इनको प्रॉपर अपने नोट्स बनाकर और अपनी सफलता पा सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन सारे, अगर आप इसको अच्छे से यहां पर कोई भी क्वेश्चन देखेंगे इससे संबंधित, एक आप एक मिनट से पहले टिक मार करेंगे, या तो ऐसा कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन सारे बिल्कुल इजी है बच्चे, टोटली जो पे आप एक काम करना बच्चे, चलिए यहां पर एक काम करते हैं, देखते हैं आपने कंसेप्ट को समझा, कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझा, आर्टिकल आपने समझे। आपको होमवर्क के लिए मैं एक छोटा सा कार्य देता हूँ, आंसर तो एक मिनट से पहले बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि इसका आंसर ये है सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए,
और आंसर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना कि फर्स्ट का ये होगा, सेकंड का ये। फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे फटाफट से, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर देना। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर दो, बहुत इजी, मैं आपका आंसर नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप बताइए मुझे किसकी डेट। सेकंड नंबर क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करें अगर आपने बिल्कुल इजी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ है क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी आपको आर्टिकल लिखवाए हैं, आप जानते हैं जो बच्चे अच्छे से क्लास लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही आंसर इसका देंगे। ठीक है बच्चे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, आंसर नंबर 3 का आर्टिकल नंबर ये। ठीक है बच्चे, नंबर 4 क्वेश्चन देखिए बच्चे, निर्वाचन एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो जल्दी, इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्ट लगे आप उसमें आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नंबर 5 क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 5 नंबर का ये सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने मैसेज करना कि सर इसका ये राइट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क, 10 क्वेश्चन अभी दूंगा, फिर इससे संबंधित और क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चे। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ लिया उनके आंसर बिल्कुल टिप्स पे रहेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे हम कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम साथ के साथ करेंगे, तो हमारा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कौन सा मतदान आयु घटाने संबंधी संविधान संशोधन किया गया, देखिए बिल्कुल आप जानते हैं 61 फर्स्ट अमेंडमेंट एंड 44, ये 4, 42, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप हमें बताएंगे कि राइट आंसर कौन सा है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आप सही बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इनमें से क्या चुनाव आयुक्त की योग्यता में शामिल है। चलिए क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जल्दी इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में रहेंगे, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। बात करते हैं, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर, 10 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। चलिए सभी बच्चों का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, जिन बच्चों ने अपना कीमती समय दिया राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और सीखने की कोशिश की। हमारा पूरा कर्तव्य रहेगा बेटा कि आपको अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे दें, और अगली टेस्ट सीरीज में लगभग 50 या 100 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, और साथ के साथ कंसेप्ट भी हम आपको कवर करते चलेंगे। आज के सेशन यहीं तक रहेगा, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।